हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू स्कोर 170 प्लस इन एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, कि किस तरीके से आप टीयर 2 में आप स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से आप टीयर 2 में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। और 170 प्लस का हम टारगेट रख रहे हैं, तो 170 प्लस आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे इस वीडियो का पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो बिफोर आई स्टार्ट, देयर समथिंग अबाउट माई सेल्फ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑडिटर था और मैंने एसएससी सीजीएल 2016 क्लियर किया हुआ है। एसएससी सीएचएसएल 2016 से ही मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने एसएससी सीएचएसएल 2015 भी क्लियर किया हुआ है। आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का आईडी है मेरा त्रिवेदी अमन 25। ये मेरा यूजर नेम है फेसबुक के पेज का। तो अगर आप मेरा इस नाम से सर्च करेंगे फेसबुक पेज, तो आपको मिल जाएगा। आपको सर्च करना है त्रिवेदी अमन 25 और आप उसे लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाकी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर अगर आप मेरी इस वीडियोज़ की या जो भी वीडियोज़ मैं करता हूँ चैनल पर, जैसे मैं डेली सुबह द हिंदू वोकैबुलरी करता हूँ, जिसको आप आई बटन से जाकर देख भी सकते हो, तो वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मैं कर देता हूँ। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना पड़ेगा अमन त्रिवेदी, @अमन त्रिवेदी। टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप सारी PDFs या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, देर आर फ्यू वार्निंग्स फॉर यू। छोटी मोटी एक दो वार्निंग है। पहली चीज़ ये है कि इफ़ यू थिंक इंग्लिश इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू, डोंट वॉच दिस वीडियो। ठीक है, आप इस वीडियो को मत देखिए आगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है आपके लिए और आप इस पेपर में बिना किसी की मदद के और अपने ही दम पर 190 या 200 स्कोर कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, एकदम अप्रत्याशित होने वाला है, जो कभी आज तक किसी ने आपको नहीं बताया, तो भी आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भयंकर नहीं बता सकता जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया हो। चूंकि एग्जाम वही है, चीजें वही हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें वैसी ही होंगी, बट हाँ मेरा तरीका अलग है बताने का। तो हो सकता है आप कुछ नई बातें मुझसे सीख सकें और कुछ नई जानकारी आपको मिले। तो अगर आप यहाँ पर कुछ सीखने के लिए हैं, अगर आप यहाँ पर बहुत ही हम्बली कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे प्रोसीड करिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है इफ यू थिंक दैट आई एम इनफ क्वालिफाइड टू टेल यू हाउ यू शुड प्रिपेयर प्रोसीड फॉर टीयर टू, नॉट बिकॉज आई माई सेल्फ स्कोर्ड 170 प्लस, बट बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस एग्जाम सिंस 2015 एंड नाउ हैव लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, देन वॉच दिस वीडियो। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, इसलिए नहीं कि मैंने 170 स्कोर किया था तो आप भी कर सकते हो, दैट इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पिछली 2017 में ही बहुत अच्छा स्कोर किया हो, और चूंकि 2017 का पेपर बहुत आसान था तो बहुत सारे लोगों ने किया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा नहीं हासिल कर लिया जो आप नहीं कर सकते, आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं और बहुत सारे लोग करेंगे। तो इसलिए आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, वीडियो इसलिए देखना चाहिए जिससे आपको पता लगे कि क्या सही तरीका होता है पढ़ने का और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि 2019 की तैयारी करने के लिए भी आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही पढ़ना होगा जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, जब आपने इतनी वार्निंग देख ली है और अगर आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि आप आगे वीडियो देखने वाले हो, तो चलिए हम बात को शुरू करते हैं। ठीक है, सो नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड टू वॉच दिस वीडियो, वॉच इट टिल एंड। ठीक है, अंत तक देखिएगा आप इसे वीडियो को, क्योंकि एंड तक मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो चूंकि अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्कोर 170 प्लस, ये जरूरी क्यों है कि आपको 170 प्लस लाना है, क्या आवश्यकता है आपको 170 प्लस लाने की, आपका काम 150, 140, 130 में क्यों नहीं चलेगा, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, इट्स लाइक क्रिकेट मैच। इफ यू वॉच द क्रिकेट मैच, व्हेन गावस्कर यूज टू प्ले, ही स्कोर्ड 36 रन्स इन 174 बॉल्स। वर्ल्ड कप में उन्होंने 36 रन बनाए थे 174 गेंदों पर। सो दिस वॉज गावस्कर एंड ही वॉज अ लीजेंड प्लेयर, ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज स्टिल प्रेज्ड फॉर हिज बैट्समैन स्किल्स। तो आप भी आज भी उनको प्रेज किया जाता है, ही वॉज अ लीजेंड, ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर आज की तारीख में हम उनकी स्टैट्स को देखते हैं तो हमें ये यूजलेस लगती हैं। क्यों लगती हैं, इसको जानते हैं। इट्स लाइक दैट, आपने कल का मैच देखा होगा, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, और आप देखिए
कितना स्कोर बन रहा है? 337। अगर आपको 337 को चेज करना है तो आपको स्कोर का रन रेट रखना पड़ेगा 6.74 के आसपास। अगर आप 6.74 यानी कि 6 रन प्रति ओवर से कम आप नहीं खेलते हो तो आप ये मैच हार सकते हो, और वही हुआ, इंडिया हार गई। तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको रन रेट को बनाकर रखना पड़ता है अगर आपको किसी भी चीज में अच्छा स्कोर करना है। तो पॉइंट मेरा ये है कि दिस वॉज अ डिफरेंट टाइम एंड नाउ दिस इज अ डिफरेंट एरा। ये दोनों ही अलग अलग समय हैं। हम गवास्कर के समय में नहीं हैं, हम हैं कोहली के समय में। तो हमें विराट कोहली की तरह बनना होगा, नॉट लाइक गावस्कर। क्यों करना है ये चीज? रीजन ये है, सिमिलरली इन द CGL, इफ यू लुक केस ऑफ बिफोर 2017, अगर आप 2017 के पहले की कहानी उठाकर देखोगे, तब ऐसा होता था लोग मैथ्स में स्कोर करते थे 190-200 तक। पॉइंट ये था मेरा यहां तक कि देखो यार, स्ट्रेटजी ना, जैसे यहां पर जब ये गेम होता था तब हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती थी, अभी जो हमारा गेम हो रहा है उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। तो जिस तरीके से गेम बदलेगा, जिस तरीके से पिच बदलेगी, गेम के नियम बदलेंगे, गेम का फॉर्मेट बदलेगा, हम अपने गेम को चेंज करते हुए चलेंगे। वही आपको यहां पर करना है। CGL 2017 से पहले होता क्या था कि मैथ्स ठीक ठाक आती थी, मतलब डिफिकल्ट आती थी, लेकिन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं आती थी जितनी 2017 में देखी गई। और इंग्लिश ओके आती थी, इंग्लिश ठीक ठाक डिफिकल्ट आती थी, इंग्लिश आपका बहुत इजी नहीं आती थी। लेकिन 2017 के बाद देखें और 2018 का हम टीयर वन देखते हैं, तो हमें यह दिखता है कि मैथ्स जो आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ रही है, और इंग्लिश जो है वो कंपेरेटिवली ईजी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब इंग्लिश आपकी कंपेरेटिवली ईजी आ रही है और मैथ्स जो है वो कंपेरेटिवली डिफिकल्ट आ रही है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब आपके मैथ्स में नहीं बनते हैं 200 में 200, अब मैथ्स में कोई भी 200 में से 200 नहीं ला रहा है, लाने वाले ला रहे हैं बट हम एक एवरेज स्कोर की बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट द जीनियसेस। ठीक है, और इंग्लिश में लेकिन काफ़ी लोग इंग्लिश में 150 प्लस लेकर आ रहे हैं। तो चूंकि अब यहाँ पर एवरेज स्कोर इन इंग्लिश बढ़ चुका है और मैथ्स में जो एवरेज स्कोर है वो थोड़ा सा गिर चुका है, तो मैथ्स में आप मैक्सिमम तैयारी करोगे तो आप लाओगे 180, और इंग्लिश में जब आप 170 लेकर आते हो तब जाके एक अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी, क्योंकि कट ऑफ भी अब बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। सो नाउ यू कॉन्ट डू दैट। नाउ इफ यू वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड यू विल हैव टू स्कोर 170 प्लस इन इंग्लिश, इट इज मस्ट वॉन्ट थिंग। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ विल वी डू दैट। इसको डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। देखिए 2016 से पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र थे जिन्होंने मैथ्स में 200 में 200 स्कोर किए और इंग्लिश में उनका स्कोर काफी खराब था, जिसकी वजह से उनको फाइनल सिलेक्शन तक नहीं मिला। ठीक है, तो इंग्लिश में उनका स्कोर करीब 100 था, 110 था, तो एक को मिला भी तो वो अकाउंटेंट बने। जब मैथ्स में आप 200 में 200 ला रहे हो तब आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है। अगर आप मैथ्स में 200 में 200 ला रहे हो तो आपको कम से कम बनना है तो आपको इंस्पेक्टर बनना ही पड़ेगा। अगर आप मैथ्स इस लेवल की कर रहे हो तो भाई इंग्लिश भी आपको उसी लेवल की करनी पड़ेगी। नहीं कर रहे हैं अगर आप, तो आप गलत कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी गलत है। आपको दोनों ही पेपर्स में 180-170 तक स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको इस एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा और तभी आपको एक इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी। तो चूंकि अब आपको ये पता चल गया है कि आपको 170 प्लस लाना क्यों है, लाना इसलिए है क्योंकि इंग्लिश अब कंपेरेटिवली इजी आ रही है और मैथ्स अब कंपेरेटिवली डिफिकल्ट आ रही है, तो हमें अपने स्कोर को इंग्लिश में बढ़ाना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो लेट्स सी व्हाट इज द प्लेइंग 11 ऑफ द अपोनेंट एंड प्रिपेयर आवर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। तो हम देखते हैं कि क्या कुछ है प्लेइंग 11 आपकी अपोनेंट्स की। अपोनेंट कौन है हमारा? टीयर 2 का पेपर। तो डिवाइड करते हैं पहले टीयर 2 को 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन हमारा होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैबुलरी और तीसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीन आपके सेक्शंस बनते हैं। ग्रामर की बात करें तो आपका उसमें आता है स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आता है आपका 20 नंबर का, 21 नंबर का, 20 नंबर का और ये 25 नंबर का। वोकैबुलरी की बात करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम 3-3 नंबर के, स्पेलिंग करेक्शन 3 नंबर का, एडियम्स फ्रेजेस 10 नंबर के और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 12 नंबर का। ये आ जाता है 39 मार्क्स का। पैराजंबल की बात करें तो ये 20 नंबर का, क्लोज टेस्ट 25 नंबर के और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 30 नंबर का आता है, तो ये हो जाता है आपका 75 मार्क्स। तो ये हमारे तीन सेक्शन हो गए, एक हो गया ग्रामर, वोकैब और आरसी। अब हमें तीनों ही एरियाज में काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अपनी बैटिंग स्ट्रांग करके जाओगे और आप अपनी बॉलिंग को स्ट्रांग नहीं करोगे। आपको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही काम में
तीनों ही एरियाज में काम करना पड़ेगा। आपको बैटिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट है और आपकी फील्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों ही एरियाज में काम नहीं करोगे आप मैच हार सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने फील्डिंग जिसको लिखा है उसका वेटेज अच्छा खासा है, तो आपको फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इस पूरे एग्जाम में फेल हो सकते हो, ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की, एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो तो यार, एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में आपके पास 120 मिनट होते हैं, जिस और इंग्लिश के पेपर को आप 100 से 110 मिनट में बहुत आराम से कर लेते हो। आपके पास बहुत आराम से 10 मिनट बच जाते हैं, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक है तो आप इसमें 10 मिनट से ज़्यादा भी बचा लोगे। तो टाइम की हमें इंग्लिश के पेपर में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। फिर भी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की बता देता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए आपको लग रहा है अगर ज़्यादा समय, तो आप क्या करो, देखिए स्पॉटिंग एरर जो है आपका 20 नंबर का है उसको 13 मिनट में कर लो। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज जो 21 क्वेश्चन आएंगे उनको करीब 13 मिनट में कर लो। एक्टिव वॉइसेज 10 मिनट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 14 मिनट में, और इस तरीके से आप 86 जो मार्क्स हैं वो आप 50 मिनट में स्कोर करोगे। फिर बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो यहाँ पर आपका आएगा 5 नंबर का ये, और सिनोनिम्स आएगा 3 नंबर का और एंटोनिम्स 3। अगर आप इन सभी सेक्शन को करते हो 15 मिनट में, ठीक है, उसके बाद जंबल्ड पैराग्राफ जो है वो 20 मार्क्स, 20 है, 25 और 30 है, इन तीनों ही सेक्शंस को आप निपटाओगे करीब 55 मिनट में, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब बात करें कि टारगेट कितना कितना करेंगे किस किस सेक्शन में। तो देखो यार, ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपका ये जो दो पार्ट है, यू कैन गेट 100% एक्यूरेसी इन दिस सेक्शन। यहाँ पर आप 100% एक्यूरेसी कर सकते हो। यहाँ पर जो ये 45 नंबर का है ये, इसमें आप कम से कम 42 नंबर तक ला सकते हो, ठीक है। स्पॉटिंग एरर, और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आपकी गलतियाँ होंगी, तो ये हो गया 41 मार्क्स का, तो मैं कहता हूँ इसमें आप 35 तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये कर लिया। इसके बाद जरा हम आगे अगले सेक्शन पर आते हैं, तो वो आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। लेट मी इरेज इट और फिर हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, सो हम बात कर रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके 5 नंबर के, उसके बाद आता है आपका सिनोनिम्स आता है 3 नंबर का, और आपका इसमें आपको टारगेट कितना कितना करना है। देखो एंटोनिम सिनोनिम ये 6 नंबर के हैं, इसमें आप टारगेट कर सकते हो 6 में से, अगर आपके अभी ठीक ठाक आते हैं तो 6 में से 4 तक आप टारगेट कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स में मैं मानता हूँ गलतियाँ होती हैं, तो आप 3 नंबर यहाँ टारगेट कर सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन 3 है तो आपका एक गलत हो जाएगा, तो 2 हम कहते हैं सही कर लोगे। और idioms, और ये जो 22 नंबर का है इसमें आप कम से कम 15 नंबर आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इतना अगर आप करके चलते हो तो आपका जो टोटल अभी तक स्कोर है यहाँ से बनता है आपका 42, और यहाँ तक आपका स्कोर बनता है आपका, ये दोनों सेक्शन मिला के आपका स्कोर बनता है 101। अब बात आती है हमारे ये जो सरदर्द वाले सेक्शन है सबसे ज़्यादा इनमें। तो देखो इनमें जो आप, जिसमें हम आसानी से टारगेट करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने पढ़ लिया और कर लिया तो ये इसमें क्या होता है, आंसर आपके सामने होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती, आप कर सकते हो, ठीक है। तो 30 में से आप कम से कम यहाँ पर आप 25 नंबर तो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट की बात करें तो 25 में से अगर आपको 170 प्लस स्कोर करना है तो आपको यहाँ पर कम से कम 20 नंबर तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप 20 यहाँ पर बनाते हो, उसके बाद आपको जंबल्ड पैराग्राफ में कम से कम यहाँ पर 18 नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे तब आपका स्कोर बनेगा ओवरऑल 164, एंड नाउ वी आर टारगेटिंग 170 प्लस। यानी कि आपका, अगर आप इतनी गलतियाँ करोगे तो नहीं बन पाएगा, आपको अपना स्कोर कहाँ सुधारना पड़ेगा, आपका स्कोर यहाँ पर कम से कम आपको 4 नंबर, ये हमारा कितने का 41 का था, तो 2 नंबर आप इधर बढ़ा सकते हो, तो आपका ये हो जाएगा 166। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपने पैराजंबल वाले सेक्शन में, इसमें आप कम से कम 2 सवाल और सही करोगे तो हो जाएगा ये 168, और आप करीब यहाँ पर 2 सवाल और सही करने की कोशिश करोगे तब जाके आप 170 प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको 170 प्लस स्कोर करना है, जो कि देखने में बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है और बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उतना आसान होता नहीं, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस हैं, और अगर आपने हर सेक्शन में करीब 2-2, 3-3 सवाल गलत किए तो आपके बहुत सारे सवाल गलत हो जाएंगे। तो 170 प्लस करने के लिए आपको सबसे कम सवाल गलत करने होंगे, आपको कम से कम इस सेक्शन में कम करना होगा और आपको इस सेक्शन में कम करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्क्स की बात। अब आगे बात करते हैं कि कैसे आपको करना होगा, ठीक है, हाउ विल यू टारगेट देम।
नाउ इट इज क्लियर दैट देर आर थ्री एरियाज टू वर्क ऑन, कम से कम तीन एरियाज हैं काम करने के लिए. पहला है आपका ग्रामर, फिर है वोकैबुलरी और फिर है आरसी. तीन सेक्शन है आपको जिनमें काम करना है. तो पहला सेक्शन पे बात करते हैं ग्रामर कैसे करना है. देखिए ग्रामर के आपके पास कई सारे तरीके हैं. पहला जो आपके है कि आप एक नीतू सिंह की किताब जरूर खरीद लीजिए वॉल्यूम वन. दूसरी आप जो सोर्स आपको लेना है वो लेना है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स. दिस इज द बेस्ट बुक सो फॉर, ये बेस्ट किताब है. रीजन मैं भी आपको आगे बताता हूँ. आपको एसपी बख्शी नहीं रेफर करना है फॉर ग्रामर. आपको ग्रामर के लिए इसको इससे नहीं पढ़ना है. क्यों नहीं पढ़ना है मैं बताता हूँ, ठीक है. रीजन बताता हूँ. देखो ये जो एसपी बख्शी किताब है बहुत ही बेहतरीन किताब है स्टडी, लेकिन पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए तैयारी के लिए बेहतरीन नहीं है. क्यों? प्रॉब्लम क्या है इस किताब के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पर देखो ये मैंने आपका उसी किताब से एक्सेप्ट लिया है. ये क्वेश्चन दिया है दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन जो प्रॉब्लम है अब इसका जो आंसर देते हैं वो देते हैं से दिस काइंड. अब ये तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा लिया इसलिए आपको यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दो तब आप इसमें सर्च करते हो कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा. सर रीजन बताइए, इसीलिए तो आपको दिक्कत है, इसीलिए तो आपको पढ़ना रहता है कि सर हमें यही तो नहीं पता रीजन क्या है इसका. और अगर यही पता लगने लगे इंग्लिश में तो फिर बात ही क्या है. तो इसलिए मैं ये किताब को नहीं सही बताता हूँ. वहीं पर अगर मैं नीतू सिंह जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ वो किताब क्यों सही है, जैसे आपका यहाँ लिखा है माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल. तो यहाँ पर देखो उन्होंने लिखा हुआ है पेज आफ्टर पेज का प्रयोग सही होगा अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन आता है तो फॉर्म सिंगुलर होती है. इन्होंने रीजन दे दिया, हमारी समस्या सॉल्व हो गई, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए. तो ये किताब जो है, और दूसरी चीज जो है आपके जो लोग हिंदी मीडियम से हैं एसपी बख्शी हिंदी में आती भी नहीं है तो ये भी दिक्कत आती है. और ये जो किताब है ये आपकी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में ही आती है, तो आपको जिसमें पढ़ना हो आप उसमें ले सकते हो, इसलिए ये किताब बेहतरीन है. जरा मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की भी बात कर लेते हैं, तो इससे बेहतर किताब मैंने नहीं देखी. रीजन ये है कि देखिए आप इसमें एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, इसमें ये लिखते हैं कि व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट विल गिव अस अ क्लू टू द मिस्ट्री ऑफ द केस. ये एग्जांपल लिखा है. अब देखो इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, कहते हैं केयरफुली का प्रयोग एग्जामिन के बाद होगा क्योंकि जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं केयरफुली क्रिटिकली ब्यूटीफुली लविंगली पीसफुली का प्रयोग वर्ब के बाद होता है. और उसके बाद इन्होंने तीन एग्जाम्पल्स भी दे दिए. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक कि इसमें आपका जो सॉल्यूशन है वो इतना अच्छा देते हैं कि आपको किसी और से कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो इसलिए मैं कहता हूं आप सिर्फ ये ग्रामर के लिए ये दो किताबें रिफर करिए, एक नीतू सिंह की किताब, दूसरी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स. अब जरा बात करें कि अगर आप चाहो तो मेरे कोर्सेज भी ले सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है. आप में से काफी लोग ऑफेंड हो जाओगे कि देखिए ये तो यहाँ बिजनेस हो रहा है. देखिए सर बिजनेस नहीं हो रहा है, अगर आपको पढ़ना है मुझसे, अगर आपको सच में मुझसे पढ़ना है और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आप मुझसे कुछ सीख सकते हो तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है. कैसे करना है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है. तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तो ऑफेंड मत होइए सर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो. मर्जी है पढ़िए, नहीं मर्जी बिल्कुल मत पढ़िए, मैंने आपको सोर्सेज यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है. चलिए हाँ, लेकिन अगर बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा. अब जरा बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ वोकैबुलरी क्या क्या रिफर करने हैं. देखिए नीतू सिंह की किताब आप ये रिफर कर सकते हो, बेहतरीन किताब है, इसमें भी वोकैबुलरी अच्छी दी है. वोकैबुलरी के लिए आप एसपी बख्शी को रिफर कर सकते हो, इसमें जो वोकैब दी है वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है. अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश वोकैबुलरी समझ सकते हो ओनली देन, क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश वोकैबुलरी दी गई है, हिंदी नहीं दिया है, ठीक है. एमबी पब्लिकेशन के जो स्टार्टिंग में जो वोकैबुलरी दी जाती है वो भी बहुत ही अच्छी किताब है. उसमें भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं जो वाली किताब आती है उसमें जो शुरुआत में वोकैबुलरी दी जाती है वो भी बहुत अच्छी है, आप उसको भी रिफर कर सकते हो, ठीक है, ओनली इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी. इसके अलावा आप मेरे फ्री कोर्सेज जो कि फ्री हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं होते आपके अनअकैडमी पर, आप उन्हें भी रिफर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देख सकते हो. अदरवाइज आप सिर्फ अनअकैडमी पर सर्च करो अमन त्रिवेदी, आपको सिर्फ अमन त्रिवेदी अनअकैडमी पर सर्च करना है, उसके बाद आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि एसपी बख्शी समरी, एडियम्स एंड फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एडियम्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं और बहुत सारे लोग देख चुके हैं. आप देख सकते हो 4,457 लोगों ने रेट किया है, 377, तो मोर देन ये सारे वीडियोस जो हैं करीब 3 से 4 लाख लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. तो अगर आप चाहो तो ये वीडियोस देख सकते हो, इनका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लगता, आपकी मर्जी है. देखिएगा सर यहाँ पर भी आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस आपको आपको अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि इससे आपकी मदद होती है तो आप देख सकते हो, ठीक.
इसके अलावा आप देखिए जो मैं इस चैनल पर द हिंदू वोकैबुलरी करता हूँ, जो कि आई बटन में मैंने डाल भी दिया है, द हिंदू वोकैबुलरी जो मैं करता हूँ ऑन दिस चैनल, आप उसे भी देख सकते हो और उसकी फ्री पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम पर मैं आपको डेली उसकी वोकैबुलरी की पीडीएफ दे देता हूँ और वो वीडियो भी मैं रोज सुबह करता हूँ 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक है, आप उसे भी देख सकते हो। इसके अलावा वर्ड पावर मेड इजी, ये भी बहुत ही अच्छी किताब है, इसको भी आप प्रीफर कर सकते हो। एक बार सभी के कवर पेजेस देख लेंगे, आपको ये किताब लेनी है वर्ड पावर मेड इजी, इसको भी बहुत अच्छे से करना है और इस किताब को मैं इस चैनल पर कवर भी करूंगा, तो आप उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ये चीजें करेंगे। इसके अलावा आपको ये किताब करनी है एमबी पब्लिकेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो मैंने कवर पेज लगाया उसमें 2015 तक हैं, 2017 तक की आ गई होगी, आप नया एडिशन आप इसका ले सकते हो अमेजोन से। इसके बाद आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये भी अच्छी किताब है, बस इसके साथ की दिक्कत यही है कि ये हिंदी में नहीं आती, हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं आती, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिंदी समझ में आती है तो ये किताब अच्छी है, आप इसको ले सकते हो और उसके अलावा आप ये किताब ले सकते हो, ठीक। इसके अलावा आप मेरी मेरे कोर्सेज को रिफ़र कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, इनका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये 100% आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन को कैसे टैकल करेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन आता है पैरा जंबल, आरसी और क्लोज टेस्ट, ये तीन सेक्शन है। इन तीनों को टैकल करने के बेस्ट तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करिए, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने किया था जिसमें मैंने सोर्सेज बताए थे, मैंने कहा था रीड रीड एंड रीड। देखिए उस वीडियो का कई लोगों ने गलत मतलब निकाला कि सर हम इतने सारे पोर्टल कैसे पढ़ सकते हैं। बाबू मैंने पोर्टल पढ़ने को आपसे नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि आप रीडिंग करो, कहीं से भी करो, आप किताब पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन कम से कम रीडिंग की आदत डालो। अगर आप रीडिंग की आदत आपकी नहीं है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आप बात करते हो कि इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी में है, सर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में है वो सभी में नहीं होती, वो डेवलप करनी पड़ती है कि कैसे आपको आरसी समझ में आए, कैसे आपको क्लोज टेस्ट समझ में आए, और वो डेवलप तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे खूब सारी, जब आप खूब सारी रीडिंग करोगे। तो रीडिंग के लिए बेस्ट तरीका मैंने कहा है आप डेली द हिंदू पढ़ो, नहीं समझ में आता मेरा वीडियो देख लो, वीडियो में मैं आपको रोज बता देता हूँ, आधे घंटे के वीडियो में पूरी वोकैबुलरी कवर कर देता हूँ, वीडियो नहीं देखना पीडीएफ देख लो, आप वहां से पूरी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और प्रैक्टिस करिए इन तीन सेक्शंस का, ठीक है। देखिए इनको प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन से जो भी उसमें अपडेटेड आते रहते हैं वहां से कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन के हर पेपर में आपके ये रहते हैं वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगा उसमें मैं आपको क्या कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, वो जो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अब देखिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको। देखिए एमबी पब्लिकेशन से आपको कम से कम दो एग्जाम से पहले 2 बार लगा के टारगेट करना है कि करना है हमें 2 बार। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स रोज लगाइए, और डेली असाइनमेंट जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ वो आप करिए, जो कि 100% फ्री है, ठीक है। आपको बुक्स अवॉइड कौन कौन सी करनी है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए किरण की जो इंग्लिश की किताब आती है आप वो अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए मैं इस किताब को कहता हूं कि आप ये मत पढ़िए, ठीक है। और उसके अलावा देखिए बहुत सारी किताब मार्केट में है, लेकिन आपको सिर्फ स्टैंडर्ड किताबों को रिफ़र करना है, क्योंकि बहुत अगर हर किताब आप पढ़ोगे तो आपका भला नहीं होगा। देखिए ये एग्ज़ाम है आपका, एक ही किताब को 10 बार लगा के जाओगे एग्ज़ाम में भला होगा, अगर आप 10 किताबें लगा कर जाओगे एग्ज़ाम में कोई भला नहीं होगा। तो एक ही किताब, जितने सोर्सेज मैंने बताए हैं बस इसके अलावा आपको चौथा सोर्स कोई रिफ़र नहीं करना है, ठीक। आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, देखिए जब सुबह उठिए तो वोकैबुलरी पढ़िए, और रात में जब बेड पर जाने से पहले वोकैबुलरी पढ़िए, और वो वोकैबुलरी की बुकलेट अपने सर पर रख, सर के पास में रखकर सोइए, सुबह उठते ही फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो सुबह वोकैब रिवाइज करिए और रात में लेटने से पहले रिवाइज करिए, ठीक है। 4 से 5 सेट आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के रोज लगाने हैं, 1 आर कम से कम आपको द हिंदू को देना है, और एमबी पब्लिकेशन के 3 से 4 सेट लगाने हैं। इतना काम आपको रोज इंग्लिश के लिए करना ही करना है, और आपको ग्रामर के किसी एक चैप्टर का रिवीजन करना है आपके अपने नोट्स से, अगर आपके पास हैं तो, और नहीं है तो आप अपनी किताब से कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारा काम आपको डेली शेड्यूल में करना है, ठीक। तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं कि ये काम आप करोगे तो आपकी तैयारी इस तरीके की हो जाएगी कि आप 170 प्लस ला सकते हो, ठीक है। एग्जाम में देखो मैं आपको यहाँ पर, अगर मैं बहुत सारा समय आपको यहाँ दिखा, यहाँ पर व्यतीत कर देता और मैं यहाँ पर दिखा देता कि इतना इसमें कर लो इतना उसमें कर लो, तो देखो बेटा कभी भी इस तरीके से मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आते हैं आपके पढ़ाई के तरीके पर। तो पढ़ाई अगर सही तरीके से करोगे तो मैं 170 कह रहा हूँ, आप मुझे 180 ला कर दिखाओगे, एंड आई वॉन्ट दैट यू गाइज स्कोर इन इंग्लिश 180, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर इस वजह में इस सब्जेक्ट में लैक करते हैं, एंड दे लैंड अप गेटिंग नो पोस्ट इन सीजीएल,
तो वो चीज़ आपको नहीं होने देनी है। एंड जस्ट बी लाइक कोहली, जिस तरीके का ये आदमी आपको उसी तरीके से होना है। जस्ट लुक एट हिज स्टैट्स कि क्या परफॉर्मेंस करते हैं। एवरेज है 53 रन्स का पर मैच का, 25 है सेंचुरीज, इतना जो वो कर रहे हैं। यानी कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी। आपने देखा है कभी कि विराट कोहली आउट हो जाए और कभी गुस्सा नहीं करे, वो हर विकेट और हर गेंद पे गाली देता है। वो गाली क्या है, वो एग्रेशन है उसका। सो यूज दैट एग्रेशन, आपके अंदर वो आग, वो एग्रेशन होनी चाहिए। सो शो योर एग्रेशन लाइक हिम ऑन योर मिस्टेक। जिस तरीके से अगर वो एक गलत शॉट खेल के आउट होता है, वो इतना गुस्सा हो जाता है कि अपना बैट वैट फेंकने लगता है। सो वो एग्रेशन होना चाहिए। वो अगर आप अपनी मिस्टेक्स को फॉर ग्रांटेड लोगे तो वो एग्रेशन आपके अंदर कभी नहीं आएगा। और जब तक वो एग्रेशन आपके अंदर नहीं है, आप कभी भी विराट कोहली नहीं बन सकते। आपको विराट कोहली अपनी फील्ड का बनना है। यू वॉन्ट टू बी द विराट कोहली ऑफ योर टीम, द विराट कोहली। आपको विराट कोहली नहीं बनना है, आपको द विराट कोहली बनना है। आई थिंक आपको ग्रामर का एक रूल याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वर्क ऑन देम, आप अपनी काम करिए उन चीज़ों पे, कंसिस्टेंट रहिए। जैसे विराट कोहली कंसिस्टेंट है, हर मैच में 50 तो मारना ही मारना है कम से कम। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट। मॉक्स में अपनी प्रिपरेशन को गौज कीजिए कि कहाँ पर गलती हो रही है, ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, ये क्वेश्चन सही हुआ तो इसमें मैंने ऐसा क्या करा था कि सही हुआ, यानी कि मुझे उसका रूल आता था या मैंने गेस किया है। ये सारे काम कीजिए एंड देन द सक्सेस विल बी योर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात थी। अगर आप चाहो तो मेरा फ्री बैच है टेलीग्राम पर, एकदम 100% फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो आप ये बैच इस नाम से है, आप इसको टेलीग्राम पर मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए @AmanTrivedi। वहाँ पर आपको मैं डेली असाइनमेंट देता हूँ और जो डेली असाइनमेंट है वो डेली का डेली प्रिपेयर होता है द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो डेली के हिंदू न्यूज़पेपर से वो असाइनमेंट प्रिपेयर होता है, जिसमें मैं RC, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और एरर, ये चार सेक्शंस मैं आपको वहाँ पर देता हूँ। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर चाहो तो, आपकी ये भी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये दो कोर्सेज हैं जो कि मेरे अनअकैडमी पर ऑलरेडी चल रहे हैं। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दिस अनअकैडमी प्लस, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। करना क्या है, आपको अनअकैडमी प्लस पे जाना है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। चार ऑप्शंस मिलते हैं, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का। आप 12 मंथ में जाइए, 12 मंथ में आपको 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन दिखता है। आप मेरा कोड डालेंगे अमन त्रिवेदी, उसे अप्लाई करेंगे, आपके पास कुछ क्रेडिट्स होते हैं, आप उन्हें अप्लाई करेंगे तो टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये का है, ये आप 4,000 रुपये तक में पा सकते हो। और 4,000 में मिलेगा क्या आपको, जितने भी टीचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिलेबस स्ट्रेटजी और जितने भी यहाँ टीचर दिख रहे हैं, साथ ही साथ वाईफाई स्टडी की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिल जाता है ओनली एट 4,000 रुपीज़ फॉर ईयर। तो अगर आप 2019 की तैयारी कर रहे हो या सीजल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो, डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। आपको यहाँ पर बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। तो आपकी मर्जी है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर लगता है कि आपकी ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत मदद कर रही है तो बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।